पटना के बाजारों में बकरीद की कुर्बानी के लिए बकरों की खरीदारी की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। राजा बाजार के स्थित बकरी बाजार में लोग दूर दूर से बकरा खरीद के लिए आ रहे हैं। यहाँ 12,000 रुपये से लेकर लाखों रुपये बकरे को खरीद रहे हैं। इसी बीच मनेर शरीफ का एक बकरा काफी सुर्खियों में है। इसका नाम सोनू है। यह सबसे महंगा बकरा है। इसका कीमत 4.5 लाख रुपये रखी गई है। बकरे के मालिक साबिर कुरेशी ने कहा है कि यह इस मंडी का सबसे बड़ा बकरा है। इसको तैयार करने में साल भर का समय लगा है। यह रोज सुबह शाम 1 लीटर दूध भी पीता है। इशारों में कही गई बातें भी मानता है। यह सवाल करने पर साबिर कुरेशी ने कहा कि एक ग्राहक इसके 3.5 लाख देने को तैयार है। मेरी कीमत में अगर नहीं बिक सका तो उन्हें दे देंगे। बता दें कि कोरोना के कारण 2 साल के बाद खुलकर बकरीद मनाई जा रही है। इसको लेकर मंडी के दुकानदारों और ग्राहकों को काफी उत्साह है। पत्रकारों ने बकरा बाजार में आए लोगों से बात की। एक ग्राहक साकिब अहमद को बताया कि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण बकरीद नहीं मनाया गया था। इस साल बकरीद मनाया जा रहा है। इस बार बकरों के दामों में काफी इजाफा हुआ है। 2 साल पहले रेट कम था, इस बार करीब 30% बढ़ा है। पहले जो बकरा 8 से 9 हजार में मिला था वो इस साल 13 से 14 हजार में मिल रहा है। एक अन्य ग्राहक मोहम्मद मेहताब आलम ने कहा कि कुर्बानी का इस्लाम धर्म में खास महत्व है। हम लोग दिखावट के लिए बकरा नहीं चढ़ाते, यह नेकी और दुआओं का त्यौहार है। बहुत उत्साह है कि बकरी तो अच्छा से मनाए और बकरा खरीदे। हर साल कुर्बानी हम लोग देते हैं। तो जो भी इसकी जो मुनासिब प्राइस है, प्राइस पहले से ज्यादा बढ़ा है और पीछे और ज़्यादा महंगा मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन ठीक है। लोग यहाँ पे वो कीमती कीमती खसियाँ लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो इस वजह से आ रहे हैं कि अपनी कुर्बानी देने के लिए आ रहे हैं कि मेरे पास जो माल है, ज़र्फ़ है, अल्लाह की राह में मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ।